बहुत ही फुर्तीले होते हैं, भागने में एक्सपर्ट होते हैं ज्यादातर। हाँ भागा थे बहुत तेज। हाँ फाइनली इनको दोस्तों हमने पकड़ लिया है। नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल घनश्याम बाबा संपर्क मित्र बस्ती में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे बैदलिया गांव से आया है और फाइनली उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं। और मनोज भाई के घर में कुछ ईंटे रखे हैं और वहां पर कुछ सांप दिखे हैं और इन भाई साहब ने हमारे पास फ़ोन किया था। फाइनली उस जगह पर पहुँच चुके हैं। भाई साहब पहले अपना नाम बताएँ। मनोज कुमार यादव बैदलिया। और आप सांप कहाँ देखे हैं? सांप ईंटे में था। प्रेजेंट टाइम पर कहाँ है अभी सांप? प्रेजेंट टाइम ईंटे में है। चलिए बताइए। और दोस्तों ये बस्ती से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और अब उनको चलते हैं सुरक्षित पकड़कर हम वातावरण मिलते रिलीज करेंगे। कहाँ पर देखिए, यहीं पर है। हाँ इसी में है अंदर। दोस्तों जो ये ईटा रखा हुआ है इसी में सांप दिखा है और फाइनली अब इनको हम पकड़ने जा रहे हैं। दोस्तों आप भी सांप को मारिए मत, बचाइए। अपने वातावरण के लिए इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। मारिए मत, बचाइए जहाँ तक हो सके। अरे रही ही में जब आप सब देख ले तो कहे टेंशन ले रही तो कहाँ जी है वो रही ही में। भाई साहब अपन जीव बचावे खाती हेरत है। हाँ हाँ सही सही सही। मनुष्य तो जानवर चीजें करे तो जानवर हो, बेजुबान जानवर तो मैं कहाँ पता है कि हमारे संग भी कहाँ होने वाला है कि नहीं। हाँ भागी हैं बहुत तेज। उधर से ईटा हटावा करो हाथ तुमके बोल भैया। हटाओ हटाओ डरो मत, हटाओ जा सकते कहाँ चला गए ना। गायब तो ना हो गए दोस्तों। ये धामिन का बच्चा है और फाइनली इनको हमने पकड़ लिया है। बहुत ही फुर्तीले होते हैं, भागने में एक्सपर्ट होते हैं ज़्यादातर। हाँ भागा थे बहुत तेज। हाँ फाइनली इनको दोस्तों हमने पकड़ लिया है। और ये धामिन का बच्चा है, तकरीबन 2 से 2.5 फुट का है। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये इसको हमने बचा लिया है और पकड़ भी लिया है। और आप सब भी दोस्तों सांप को मारिए मत, बचाइए।
और दोस्तों जिनके घर में निकला है वो प्रेजेंट टाइम पर हमारे रहरवा प्राथमिक विद्यालय जो है वहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं कि लड़कों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, सुंदर काम है। और आज उन्हीं के घर में हम सांप पकड़ने के लिए आए हैं और फाइनली सांप को हमने पकड़ लिया है। और अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आप जिला हॉस्पिटल लेकर जाएं, किसी झाड़फूक को अफवाह में ना पड़े, नहीं ऐसे में उस व्यक्ति की जान जा सकती है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब बिना समय गंवाए दोस्तों इनको हम पैक करते हैं। एक बोरी लाओ चाची, एक डिब्बा, कोई डिब्बा हो तो डिब्बा दो, डिब्बे भी दो चलेगा। और ये दोस्तों इनके अंदर जहर नहीं होता है। अच्छा, जो धामिन होते हैं उनके अंदर जहर नहीं होता है, बस इतना ही रहता है। ये जब काटते हैं तो जहाँ पर काटते हैं वहाँ के मांस निकाल लेते हैं, बहुत बुरी तरीके काटते हैं ये, अगर काटेंगे तो ये। अच्छा, फिर इनके काटने से कुछ होता नहीं है। अच्छा, थोड़ा छेद कर दो, ऑक्सीजन ले करती। ढक्कन में छेद करिए सर, ढक्कन में नहीं, आजू बाजू। थोड़ा थोड़ा छेद कर देना, और इस जीप कैसा निकाल रहा है आप सब देख सकते हैं। अरे हमने कही भैया गोहुमन है। गोहुमन, हाँ गोहुमन, हाँ। नहीं 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 नहीं, गोहुमन जो प्रजाति है वो इतना छोटे रही है लेकिन उनके फंड रही जब बहुत जंगली भीषण घर कराइट हुआ। हम वो कहाँ समझे घर कराइट ना, ये रंग ना बदल गया भैया, ये पहले काला रहा। नहीं भाई सकल एक और हुआ है, काला भी होते हैं ये प्रजाति, ठू पीला प्रजाति होला धमिना में। अच्छा, कई प्रजाति होता धमिना में ना। अरे भैया कहाँ से निकल जाने और हूँ तो फिर बताइए, फिर यहाँ निकली है जब हो और। अरे वही तो बतावा जाए, फिर निकाल दिए, फिर यहाँ निकाल दिया, कौन दिक्कत भाई। बस बस भैया राय छेद कर दिया, चलो अंदर चलो। ना ही बड़क कौन काम है, फुर्त तो बहुत खोली बाबू माने करी, जैसे आप बताए वह मेरे बाप फुर्त है, वह मेरे बाप फुर्त है माने करी। थोड़ा सलाम छेद के दियो, हंसवा दे दियो, नहीं पेच कर ले दियो, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, सांस लो दिक्कत ना हो। सांस लेओ ना दिक्कत करते हैं, ना ही निकलना है। सर अब तो छेद, चलिए दोस्तों दो तीन छेद हमने कर दिया इसमें, इनको ऑक्सीजन लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप सब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर हम सुराख कर दिए हैं, इनको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगा। और चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी जंतुओं को बचाते हुए, तब तक के लिए आप सब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। चलो भैया।